आज का वीडियो होने वाला है काफी मजेदार, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा एप्लीकेशन के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन अप करते ही आपका पेटीएम वॉलेट पर डायरेक्टली 25 रुपए जाके क्रेडिट हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहे, आपको सब कुछ चीज डिटेल्स में आपको समझा दूंगा। तो चले, कौन है पिछला वीडियो का कॉमेंट कॉन्टेस्ट का विनर, सबसे पहले उनको 10 रुपए का पेटीएम कैश पेमेंट कर देते हैं। फ्रेंड्स, पेटीएम कैश का जो विनर है उसका नाम है स्पोर्टी बाबा। तो स्पोर्टी बाबा अकाउंट से उन्होंने मुझे कॉमेंट किया था, जो कॉमेंट सच में कहूँ तो मेरा दिल जीत लिया, तो बहुत ही बढ़िया कॉमेंट है। तो चलिए, इनके लिए तो एक 10 रुपए बनता ही है। तो चलिए मैं पेटीएम ओपन करता हूँ। इसको सबसे पहले सुबह ही मैंने पेमेंट कर दिया था, क्योंकि सुबह मैंने एक वीडियो बना रहा था लेकिन वो ऑफर एक्सपायर हो गया, तो जिसकी वजह से उसको ऑलरेडी मैंने पेमेंट कर दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं रजत नाम है उसका, तो इसको 10 रुपए पेमेंट मिल गया। अगर आपको भी ऐसे लेना है 10-10 रुपए करके हर एक वीडियो पे, तो जरूर आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, और साथ साथ अपने पेटीएम नंबर के साथ एक मीठा सा कॉमेंट कर देना है, तो ही आप जीत सकते हो कॉमेंट कॉन्टेस्ट का विनर। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ऑफर जहाँ पे आता है, ऑफर आता है शॉपिंग पोस्ट नाम का एक एप्लीकेशन से। इस एप्लीकेशन के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं, अब में से काफ़ी सारे लोग जानते हैं, लेकिन ये वीडियो मैं अभी इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपको याद दिला रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोग तो पिछले कई दिनों से अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट या फिर कहीं ऑनलाइन साइटों से कुछ ना कुछ तो खरीदे होंगे। तो उसका जो इनवॉइस है, यानी उसका जो बिल है, उस बिल का तो हम मतलब कि ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप उस बिल को अपलोड कर दोगे तो आपको 25 रुपीज अपना पेटीएम वॉलेट पर मिल जाएगा। तो कैसे, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, आप टेंशन की कोई बात नहीं, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा और कैसे करना पड़ेगा पूरा डिटेल्स के साथ बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले इस पर साइनअप कैसे करना होता है आपको बता देता हूँ। तो चलिए, शॉपिंग पोस्ट को मैं ओपन करता हूँ। तो जैसे ही ओपन करता हूँ, यहाँ पे इस टाइप का ओपन होता है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा, तो इसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर ही देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस पर नेक्स्ट नेक्स्ट कर देने के बाद आपके सामने मोबाइल नंबर डालने का इंटरफेस आ जाता है, तो इस पर अलाउ कर देना है। देखिए, यहाँ पे आपको जीमेल नहीं करना है, आपको मोबाइल नंबर से साइनअप करना है, लेकिन साइनअप का प्रोसेस ही आप धीरे धीरे करके देख लीजिए। अगर साइनअप का प्रोसेस पे आप गलती कर दोगे तो आप कभी भी इस पर एक भी रुपीज अर्निंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ही आपको ट्रिक देने वाला हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे ही ट्रिक फॉलो करने वाला है। अगर इस ट्रिक को फॉलो नहीं करते हो तो आपको एक भी रुपीज का अर्निंग नहीं होगा। तो चलिए, यहाँ पे जो मेरा मोबाइल नंबर है वो मैंने डाल देता हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मेरा नंबर जो है डाल दिया, तो चलिए गेट ओटीपी पे क्लिक करता हूँ और ओटीपी आने तक इंतजार कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा ओटीपी आ गया, तो चलिए इसको लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए वेरीफाई हो जा रहा है। उसके बाद देखिए ये जो प्रोफाइल, यहाँ पे आप ध्यान देके देख लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देके आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, आपके पास जो बिल है, मतलब कि जो बिल यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं, उस बिल पे जो नाम है, आप सबसे पहले आपको एक बार मैं एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुका हूँ मेरे गैलरी पर। तो गैलरी पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक अमेजोन का बिल मेरे पास है, amazon.in का एक बिल। तो ये बिल किसके नाम पे है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए। यहाँ पर देखिए बिलिंग एड्रेस, यहाँ पर किसका नाम पे है, विश्वजीत जाना, और यहाँ पर देखिए मेरा ही डिटेल्स सब कुछ दिया गया। तो विश्वजीत जाना है, तो मुझको जो अकाउंट बनाना है वो मेरे नाम पे ही बनाना है। आपके पास जो बिल है, उस बिल को एक बार ओपन करके देखिए वो किसके नाम पे है, और जिसका ही नाम है यहाँ पर, तो आपको अकाउंट उसी नाम पे ही बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ऐप के अंदर ले जाता हूँ और यहाँ पे वही आपको बता देता हूँ कि कैसे यहाँ पे अकाउंट बनाना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिए हैव ए रेफर कोड का ऑप्शन आता है, तो रेफर कोड पे आपको मस्ट एक रेफर कोड डालना है, जो मैं अभी डाल रहा हूँ। तो आपको कोई ना कोई रेफर कोड डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, वो रेफर कोड डालने पे ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आपको 25 रुपीज का पेटीएम कैश मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, मैं यहाँ पे फुल नेम, ईमेल आईडी, और यहाँ पर टेल समथिंग अबाउट यू, तो आप स्टूडेंट हो क्या, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो फॉर्म है इसको सिंपली फिलअप कर दो, लेकिन रेफर कोड मस्ट डाल लेना, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पे फोटो लगा सकते हो, नहीं भी लगाओ तो कोई बात नहीं। तो चलिए नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये जो ईमेल एड्रेस आपने जो डाला है उसको कॉन्फर्म मस्ट करना है, तो इसीलिए आपको मस्ट एक जेन्युइन ईमेल एड्रेस डालना है, ना ही आपको कोई फेक ईमेल एड्रेस डालना है, आपको मस्ट एक जेन्युइन ईमेल एड्रेस डालना है। तो चलिए कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, देखिए ये अपडेटिंग ले रहा है। उसके बाद आपके सामने कुछ परमिशन वगैरह मांग सकता है, तो इसको मतलब कि अलाउ कर दीजिए। देखिए मैंने काफ़ी सारे अकाउंट से लिया है, देखिए यहाँ पर मेरा एक अकाउंट शो कर रहा है, यहाँ पर और एक विश्वजीत का अकाउंट शो कर रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे अकाउंट से मैं लूट रहा हूँ, तो आपको अनलिमिटेड ट्रिक भी देने वाला हूँ, तो वीडियो को धीरे धीरे करके अंत तक देखते रहिए। उसके बाद आपको जाना कहाँ पे पड़ेगा, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा ये देखिए रिवॉर्ड वाले सेक्शन पे, या फिर आपको ये जो प्लस वाला आइकन है ना, तो प्लस वाला आइकन पे चले आइए। तो जैसे आप प्लस वाला आइकन पे चले आएंगे, तो यहाँ पे आपको इस टाइप का एक इंटरफेस दिखेगा, तो इसको चलिए क्रॉस आइकन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाता है, जहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट मिलेगा, मिंत्रा मिलेगा, अमेजोन मिलेगा, ईबे मिलेगा, अली एक्सप्रेस मिलेगा, जॉबंग मिलेगा,
और यहाँ पे चुकबैक नाम के कुछ साइट है उस पर मिलेगा। तो इनमें से कोई भी साइट से अगर आप पिछले 3 महीने के अंदर कुछ भी प्रोडक्ट खरीदे तो उस प्रोडक्ट को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे फ्रेंड्स, मैंने तो आपको दिखाया कि मेरे पास अमेजोन का बिल है, तो आपके पास अगर मिंत्रा या फिर फ्लिपकार्ट कई मतलब किसी भी कंपनी का अगर बिल है इनमें से तो भी आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन पेटीएम का बिल यहाँ पे नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स चलिए मैं अमेजोन पे क्लिक करता हूँ और अमेजोन पे क्लिक करने के बाद देखिए आप जो प्रोडक्ट को वेरीफाई करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स चलिए मैं उस प्रोडक्ट को सर्च कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा वो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सर्च करता हूँ और यहाँ पे सर्च करने के बाद एक नाम आएगा, ठीक है। देखिए ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट ही मैंने खरीदा था, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही क्लिक करूँगा ये वाला प्रोडक्ट आता है। तो चलिए मैंने अमेजोन से जो प्रोडक्ट खरीदा था तो यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर ये वाला जो प्रोडक्ट है यही वाला प्रोडक्ट मैंने खरीदा था 445 रुपीज पे, और यहाँ पे भी आपको वही प्रोडक्ट दिख जाएगा। देखिए वही सेम प्रोडक्ट है। तो अगर सेम प्रोडक्ट होता है तभी जाकर आपका वेरीफाई होगा। अगर आपका सेम टाइप का आता है मतलब कि रिलेटेड टाइप का कोई प्रोडक्ट आता है वही बिल्कुल उसी तरह तो नहीं होगा, बिल्कुल एक ही प्रोडक्ट मतलब कि आपका जो नेम रहेगा यहाँ पे भी वही सेम नेम रहना चाहिए। उसके बाद चले पोस्ट इट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे इस पे पोस्ट इट पे क्लिक कर दोगे तो आप तो फ्रेंड्स उसके बाद इस टाइप का एक इंटरफेस आ जाता है जहाँ पे आपने नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए क्लेम रिवॉर्ड का ऑप्शन आता है। आपने जो प्रोडक्ट चूज किया उसके बाद क्लेम रिवॉर्ड का ऑप्शन आता है, तो क्लेम रिवॉर्ड पे सिंपली क्लिक कर दीजिए। तो जैसे क्लेम रिवॉर्ड पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर देखिए एक लिखा है कि 25 कैशबैक इन योर पेटीएम वॉलेट, तो यही वाला ऑप्शन को आप को चूज करना है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेगा, पेटीएम का भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये वाला आप चूज करोगे तो इस पे बस आपको गिफ्ट वाउचर मिलेगा, लेकिन ये वाला जो है ये पेटीएम वॉलेट पे मिलेगा। तो चलिए इसको हम चूज कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो बता रहा है कि कैशबैक विल बी क्रेडिट द पेटीएम वॉलेट एसोसिएटेड विद आपका मोबाइल नंबर पे, ठीक है ना। इसका मतलब आपका जो भी पेटीएम नंबर है वो KYC होना जरूरी है। तो चलिए ओके कर देता हूँ। तो ओके करने के बाद इस पर चलिए देखिए टू अनलॉक दिस रिवॉर्ड वेरीफाई योर ईमेल आईडी, तो कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। तो अभी आपका देखिए जो ईमेल आईडी वहाँ पे डाल रहे थे वो ईमेल आईडी इस टाइप का आएगा। तो चलिए सेंड ईमेल वेरीफिकेशन पे क्लिक करते हैं और आपके ईमेल पे एक मतलब कि ईमेल रिसीव होगा जिसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले ईमेल को वेरीफाई कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ईमेल वेरीफाई करने के बाद दोबारा आपको बैक पे आना है। बैक पे आने के बाद आपको क्लेम रिवॉर्ड पे दोबारा क्लिक करना होगा और यहाँ पे देखिए जो लॉक सिस्टम थे तो लॉक ओपन हो गया। तो अभी इस पर क्लिक करो। तो अभी इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक टू अपलोड इनवॉइस, तो इनवॉइस पर अपलोड करना पड़ेगा। आपके पास कैमरा पे है तो कैमरा से अपलोड करो, या फिर आप अगर इसको सेव करके रखें कहीं ड्राइव वगैरह पे तो किसी भी तरीके से इसको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ मेरे फाइल को, तो इस फाइल को पूरा अपलोड होने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अपलोड योर इनवॉइस हो गया, देखिए इनवॉइस अपलोडेड सक्सेसफुली प्लीज़ रेट अस ऑन गूगल, तो यहाँ पर लेटर कर दीजिए। तो अपलोड जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अभी आपका बात आता है कि आपको पैसा कब मिलेगा और आपको जो पेमेंट प्रूफ है वो कैसे आपको मिल सकता है, तो चलिए आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी आपको आ जाना है इस प्रोफाइल वाले सेक्शन पर। तो प्रोफाइल वाले सेक्शन पर आने के बाद यहाँ पर आपको पेंडिंग वेरिफिकेशन पे आपका ये दिखेगा। ये आपको अप टू 72 आवर्स लगता है, यानी 3 दिन लगता है इसको वेरीफाई होने के बाद। तो ये जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे वेरीफाइड पे आपका ये पोस्ट दिखेगा और आपको जो है 25 रुपीज़ अपना जिस नंबर से इसको साइन अप किया है उसी नंबर पर मिलेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको और भी एक अच्छा ऑफर चल रहा है वो बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 3 डॉट है, तो 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे रेफर एंड अर्न का ऑप्शन है। जो ऑप्शन पे यहाँ पे दिखा रहा है कि प्लीज़ पोस्ट एंड वेरीफाई एट लास्ट 1 प्रोडक्ट टू एक्टिव योर रेफरल कोड। तो चलिए यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले कोई ना कोई प्रोडक्ट को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका जो है ये जो रेफर एंड अर्न का जो कोड है वो वेरीफाई होगा। तो चलिए जहाँ तक कि पेमेंट प्रूफ की बात आता है, मैंने ऑलरेडी 2-3 अकाउंट से ये ऑफर को लूट रहा हूँ, तो उसका पेमेंट प्रूफ आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए शॉपिंग पोस्ट का पेमेंट प्रूफ। यहाँ पर देखिए कैशबैक रिसीव फ्रॉम शॉपिंग पोस्ट, यहाँ पे कितने बार मुझे रिसीव हुआ है देख सकते हैं। यहाँ पे शॉपिंग पोस्ट से यहाँ पे रिसीव हुआ है 25 रुपीज़, तो 25-25 करके काफ़ी सारा यहाँ पर आप गिन के भी खत्म नहीं कर पाओगे। देखिए काफ़ी सारे 25-25-25 करके रिसीव हुआ है और एक गारंटेड आपको पैसा देता है और देते भी जाएगा आपको। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स देर मत कीजिए, आपके पास जितने भी सारे बिल है तो सब बिल पर एक एक बार करके ले सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर एक बार एक बिल आप वेरीफाई कर लिए तो उसके बाद आपके पास और भी काफी सारे बिल है तो क्या करना पड़ेगा, न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन हमेशा एक ही बात आपको याद रखना पड़ेगा कि आप जो नाम पे अकाउंट बनाओगे बिल पे भी वही सेम नाम होना चाहिए, तभी जाकर आपका जो मतलब कि पोस्ट है वो वेरीफाई हो पाएगा, वरना आपको नहीं हो पाएगा। और जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा इंस्टेंटली आपके पेटीएम वॉलेट पर 25 रुपीज़ दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका एक अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है तो रेफर एंड अर्न का सेक्शन भी ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे आप क्या कर पाओगे कि वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को रेफर करके, अगर फ्रेंड भी आपका पोस्ट वेरीफाई करता है
तो आपको और भी 25-25 रुपीज करके पर रेफर पे मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर और कमेंट जरूर करो और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि ऐसे ट्रिक और टिप्स आपको हर रोज इसी तरह मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।